जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम बैंक निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं, जो कि मंडे के लिए होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या ये रिकवरी हो सकती है या फिर अभी और भयंकर गिरावट की शुरुआत हुई है? तो चलिए हम आप सभी को सीधा चार्ट पे लेके चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं, जहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे लगातार देख रहे हैं 16 तारीख में और 17 तारीख में लगातार गिरावट देखने को मिली, और जबकि ये गैप अप होने के बाद में गिरावट देखने को मिली, थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहा है, बट ट्रेंड जो इसका रहा है वो डाउन रहा है। फिर लगातार 17 तारीख में भी आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, बट यहाँ पे जो लास्ट मोमेंटम में आप सभी को रिकवरी देखने को मिली है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या मतलब ये रिकवरी होगी तो कहाँ तक होगी, या फिर कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ, कितना उछाल मार सकती है निफ्टी बैंक, या फिर इसी ट्रेंड में फिर से ऊपर की तरफ चली जाएगी? कंप्लीट जानकारी देंगे एकदम लॉजिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पे लाइव मार्केट में 12 बजे के आसपास लाइव ट्रेडिंग करने के लिए भी आते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आल पे नहीं क्लिक करेंगे तो लाइव की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक नहीं पहुँचेगी और फिर लाइव का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। अदरवाइज कोई दिक्कत होती, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी अपना वो सजेशंस भी ड्रॉप कर सकते हैं। आप सभी के सजेशंस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं बने हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर की भी लिंक मैंने लिंक किया है, व्हाट्सएप नंबर भी ड्रॉप कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मेरा एक ही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेता हूँ आप सभी से, क्योंकि कई सारे मेरे नाम से फेक चैनल्स भी बने हुए हैं, तो किसी फेक चैनल्स के चक्कर में मत पड़िएगा। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी लिंक पर क्लिक होकर ज्वाइन होइएगा, कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज दोस्तों, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, मेरे नाम से अगर कोई पैसे मांगे पैसे मत देना दोस्तों, मुझे आप सभी का प्यार मोहब्बत चाहिए। पैसे मैं मार्केट से कमा लेता हूँ, जो कुछ भी होता है मेरी रोजी रोटी चल जाती है, बस मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। संतोषम परम सुखम, आप सभी का साथ प्यार ऐसे ही बना रहे, बाकी कौन क्या लेके आता है, कौन क्या लेके जाता है कि नहीं। चलिए निफ्टी बैंक का हम यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम एनालिसिस करते हैं वो 90+% एक्यूरेट होती है, तो इसलिए इस एनालिसिस को जो है अवॉइड मत कीजिएगा, सीरियस लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में जाके मैं तमाम सारे एनालिसिस करने के बाद भी मैं भी यहाँ पे मैं लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ सभी को, सिंपल बेसिस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे, प्रोजेक्शन बेसिस पे, ट्रेंड लाइन बेसिस पे, या फिर मार्केट ट्रेंड के बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस की जाती है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली है, गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर इस ये मार्केट यहाँ से रिकवरी भी कर रही है, रिकवरी मैक्सिमम कहाँ तक कर सकती है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे एक सप्लाई जोन, डिमांड जोन था, बट वो सप्लाई जोन में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे यहाँ से जो है तमाम सारी सेलिंग आई, तो ये एक ज़्यादा मजबूत सपोर्ट तो नहीं रहा, लेकिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। कहने का मतलब है कि इस लेवल को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस लेवल पे यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल की मदद से एक जो है एरिया मैंने ड्रा कर दिया। अब ये एरिया इस ओपनिंग का मान के चलो कि अगर 17 तारीख का ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो ओपनिंग का भी एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से एक बार बाइंग आई है, तो एक बार हो सकता है पुनः यहाँ से बाइंग आए। देखिए लॉजिक एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि 100% कन्फर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती, वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, देखिएगा समझिएगा, पहले 2-4 दिन हमारे साथ जुड़ के रह के देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए कुछ वैल्यू है या नहीं है, अदरवाइज फिर जो है आप डिसाइड करें क्या होता है। मैं तो कहता भी हूँ कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम कल को गैप अप कराती है तो कल मार्केट गैप अप होगी तो ये 41,500 के आसपास के राउंड फिगर का मैंने ये जो लेवल दिया हुआ है, मतलब 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, 41,520 और 41,480, मतलब 50 पॉइंट का ये बफर करके चलना है मुझे। तो इस लेवल के ऊपर, मतलब 520 के लेवल के ऊपर जाती है तो मुझे बाइंग मिलेगी, अदरवाइज यहीं से सेलिंग पुनः आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से सेलिंग आई है और फिर यहां तक आ सकती है, क्योंकि यहां से अब अगर हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं तो करीब 50% रिट्रेसमेंट के आसपास ये आता है। अब ये रिट्रेसमेंट जो बिगनर्स हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, फिलहाल मैं यहाँ पर सिंपल ज़्यादा टफ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टफ कर देने में आप सभी कन्फ्यूज भी हो जाएंगे। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर मैं यहाँ पर चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आज का जो डे लो है, जो डे लो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का, तो उस डे लो को हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक पुट कर देते हैं। ओके,
तो ये आ रही 40,890 के आसपास में, बट यहाँ पे हम 900 राउंड फिगर कर लेते हैं, ये हो गया। इसको और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये 40,900 का, ठीक है। तो 40,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है डाउन साइड में, अगर ब्रेक होता है तो मुझे डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। फिर भारी गिरावट का सामना भी आप सभी को देखने को करने को पड़ सकता है मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन में। ये मंडे ट्रेडिंग सेशन की बात मैंने कही है, इसके पहले शायद मैंने जो वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, अभी तो एक दिन वीडियो लेट हो गया था, तो इसके पहले मैंने बताया था कि अभी गिरावट की शुरुआत होगी, अभी मार्केट बुलिश है, तो फिर से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो क्या यह वही गिरावट है जो मैंने बताई थी? ये कंफर्म होगा जब 40,900 के लेवल को ब्रेक करेगा, और इसके बाद भी जब एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 40,500 के आसपास का, यहाँ पर भी एक मुझे सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर भैया ये 1,000 पॉइंट डाउन, तो मोमेंटम नीचे की तरफ मुझे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट कल ओपनिंग कहाँ पे कराती है। अच्छा, ओपनिंग कराने के लिए यहाँ पे हम आप सभी को बताना चाहें, अगर हम जहाँ से गिरावट लेती है फिर रिट्रेसमेंट का टूल अगर हम वहाँ से लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 38% तक मैक्सिमम रिट्रेस कर सकती है, 38% तक, ठीक है। और 38% का लेवल आ रहा है हमारा 41,300 के आसपास में, तो हम यहाँ पे 40,300 का ये लेवल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के तरह हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। अब हम इसका मतलब समझाते हैं कि क्या होता है। 300 का लेवल ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब इस फिबोनाची टूल को यहाँ से हटा देते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि अगर मंडे को 41,300 के आसपास में ओपनिंग कराई, इसके नीचे ओपनिंग कराती है, तो यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। और अगर 41,300 के ऊपर मार्केट जाती है, इसके ऊपर ओपनिंग कराती है, तो मार्केट 200 पॉइंट अप जाके डाउन आ सकती है, मतलब 41,500 तक जाके डाउन आ सकती है, ठीक है। अदरवाइज 41,500 के ऊपर जाती है तो मुझे ऊपर साइड के टारगेट्स मिलेंगे, और ऊपर साइड के जो टारगेट्स होंगे वो भी क्रमशः होंगे 41,750 एंड 42,000 का अपर साइड का लेवल होगा। बहुत ही सिंपल आसान भाषा में आप सभी समझ गए होंगे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा करके लेवल पुट कर देता हूँ आप सभी के, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए 42,000 का ये जो लेवल है, यहीं से गिरावट भी स्टार्ट हुई है, और ये एक साइकोलॉजिकल और न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस का भी काम करता है। बट यहाँ से अगर 500 के ऊपर मार्केट जाती है, 41,500 के ऊपर, 41,500 के ऊपर अगर मार्केट चली जाती है, तो मुझे टारगेट जो मिलेगा 750 का मिलेगा, 41,750 का देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं लेवल भी लगा लेता हूँ 750 के आसपास का, ये लेवल मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर, ओके, ठीक है। और जब 42,000 के ऊपर जाएगी तब का तब देखा जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज 12 बजे मैं लाइव भी आ जाता हूँ। फिलहाल मंडे के लिए यही अपर साइड के लेवल्स होने वाले हैं। मैंने आप सभी को समझा दिया है कि मतलब मार्केट कहाँ पे ओपन कराएगी, तो कहाँ से मार्केट मूवमेंट कर सकती है। देखिए ओपनिंग कराने के बाद कम से कम मुझे 5-5 मिनट की 3 कैंडल बनने का वेट करना है, एंड देन उसके बाद ट्रेड करना है। मार्केट ओपन होते ही घुस नहीं जाना है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट जब पता नहीं चलेगा उसके पहले ही आप जो है यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस लगने या फिर लॉस होने, हाँ कई बार तुक्के वजह से तुक्का लग गया, प्रॉफिट हो गया, तो उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि एक बार प्रॉफिट हो गया, 2 बार प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर एक बार उस तरीके से लॉस हो गया तो आपकी पूरी कैपिटल जा सकती है, इस चीज को समझ के चलिएगा। तो चलिए 41,300 के लेवल के नीचे अगर ओपनिंग कराती है, यहीं पे सस्टेन रहती, ऊपर ब्रेक नहीं कर पाती, तो यहाँ से पुनः नीचे की तरफ आएगी, और 40,900 का ये लेवल आपको देखने को मिलेगा जब ब्रेक करे। और इसके बाद फिर ये अगर ऊपर गई तो एक रेंज बनाएगी ये, अगर इसको ब्रेक करी नीचे की तरफ, 40,900 के लेवल को अगर ब्रेक करी डाउन साइड में, तो मुझे जो टारगेट देखने को मिलेंगे, मुझे मैंने बताया कि 40,500 का लेवल मुझे देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे आप सभी के साथ पुट कर दे रहा हूँ, 500 का लेवल, ओके यहाँ तक। अच्छा पीछे देखें, यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट्स काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने बताया कि अगर गिरावट आती है तो फिर गिरावट यहाँ तक भी आ सकती है, और ये 40,000 का
लेवल मुझे देखने को मिल भी सकता है, और 40,000 का ही नहीं, मैंने जो बताया था कि अगर गिरावट आएगी तो आपको 39,000 का भी टारगेट, मतलब 1,000-2,000 पॉइंट्स गिरावट कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने आप सभी को ये चीज़ें समझाई हैं, इंट्राडे में अप्लाई कर सकते हैं तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से आप पुट की पोजिशन बनाते हैं तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट कहीं पर भी आप ले तो इंडेक्स का 100 पॉइंट्स के आसपास टारगेट लेके चलेंगे तो बढ़िया से चीज़ है, आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहेगा अगर यहाँ पे पुट की एंट्री लेते हैं तो। इंडेक्स का 50 पॉइंट के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, अदरवाइज ऐसे जाके चली आती है तो नहीं लगेगा। ये मैंने आप सभी को कई बार बताया, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने रिपीट कर दी है इस चीज़ को। वीडियो ना समझ में आए 2 बार 3 बार देख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो 40,900 के बाद फिर 40,500 का लेवल, इसके बीच में 650 के आसपास में, 40,650 के आसपास में मार्केट थोड़ा सा सस्टेन रह सकती है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट देखने को मिला है। ओके, इसके बाद फिर आती है तो 500 पॉइंट 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है और लेवल देखने को मिलेगा 40,000 के आसपास। अब ये चीज़ें आप सभी के एकदम माइंड में घर कर गई होंगी। एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में, तो आप सभी के लिए स्ट्रैटेजी बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप सभी अगर स्ट्रैटेजी बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को 1,000-2,000-3,000 रुपये पर मंथ सब्सक्रिप्शन देना होता है, और वो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री मिल जा रहा है। कैसे मिल जा रहा है? धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो धन का डीमेट अकाउंट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइव ऑप्शन ट्रेडर डॉट धन डॉट को पे मुझे स्ट्रेटजी बिल्डर फ्री में मिल जा रहा है, जो कि निफ्टी 50 निफ्टी बैंक फिन निफ्टी में या फिर जहाँ कहीं भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पर मुझे तमाम सारी डिफॉल्ट में यहाँ पे स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं। इन स्ट्रेटजीज को जो है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐड टू बास्केट कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐड न्यू कर सकते हैं, मतलब मैनुअल भी चला सकते हैं। डिफॉल्ट में जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस 41,130 के आसपास है और ये इस स्ट्रेटजी पे अगर हम चलते हैं तो मार्केट कितना मूव करती है तो मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कितना डाउन या अप जाती है तो मुझे मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। और धन में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी को ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। tv.dhan.co पे विजिट करते हैं तो tv.dhan.co पे विजिट करते हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए। देखिए मैंने धन का ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, बिल्कुल फ्री में मैं स्वयं भी यूज कर पा रहा हूँ, आप भी यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप धन में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लिया जाता है ब्रोकरेज चार्ज, अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो। अगर फीमेल है तो 50% का डिस्काउंट भी आप सभी को मिल जाता है, मतलब 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ही आप सभी को चार्ज देने होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, कोई डाउट है दोस्तों कमेंट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आपका भाई आपके सेवा में तत्पर रहेगा, हाजिर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।